सो हाय गाइस, मॉम क्या बन रहा है आज डिनर में? आज बन रहा है डिनर में पकौड़े। व्हाट इज दिस? ये प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। पावड़े के बैटर, बैटर ये पाव है। और वीडियो खराब करने के लिए बोल रहे तो नवीन पांडे का नाम ले लिया करो। हेलो डैड, डैड हेलो। क्या कर रहे हो? पानी पी रहा था। पानी पी रहा था। इस पूरे कुक के शेफ कौन है? पूरे कुक का शेफ लिपु लेकर है। आपने क्या क्या बनाया मम्मा? क्या क्या बनाया? प्याज के पकौड़े, पाव वड़े एंड आलू के पकौड़े बना रही हूँ मैं, जो कि पाव यहाँ पे रेडी है। सब कुछ मैं रेडी करके रखी हूँ। अब आके के शेफ हमारे डैड बोलेंगे। तो प्लान क्या है? प्लान तो ये है, चटनी बन गई है। हाँ? अभी आलू, आलू कहाँ रखे हो जी? छील के अभी फ्रिज में। फ्रिज में नहीं है, इधर रखिए। तो अभी उसके काटेंगे अपन, स्लाइस करेंगे पतली पतली। सो इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है? पकौड़े तो भैया डीप फ्राई होते। और ये पावड़े? पावड़े भी डीप फ्राई होते। तो मौसम के हिसाब से हमारा खाना बन रहा है। उसमें नमक नहीं डाला है, अब डाल देना नमक। सो ये क्या है मम्मा? ये चटनी मैंने बनाया। किसके सब के लिए? ये है टमाटर, लहसुन, अदरक एंड सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च जो खाने के बाद आपके अंदर का लाल पीला कर देगा। देखो कितनी अच्छी लग रही है गाइस। सो मम्मा बैटर की रेसिपी बता सकते हो? बैटर की रेसिपी में बेसन डाला है मैंने, सूजी डाला है, नमक हल्दी और थोड़े सारे मसाले डाले हुए हैं। उसके बाद से और क्या डाला है मैंने? बेसन, सूजी, उसके बाद कॉर्न स्टार्च। कॉर्न फ्लोर बोलते हैं? कॉर्न स्टार्च भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कॉर्न फ्लोर बोलते हैं। बस यही, बाकी तो ये अपना नमक और थोड़े बहुत मसाले स्पाइसी। ओके, सो ये देख सकते हो। और ये ऊपर से क्या डाला है इसमें? वही तो कॉर्न स्टार्च है। ओके, ये कॉर्न स्टार्च है। और साथ में हमारे दही बल्ले भी हैं। दही बल्ले फिनिश करके रहेंगे। तो देखते हैं, चैलेंज करते हैं हम रात को कि कौन सबसे ज्यादा दही बल्ले खाता है। सो लेट्स गो। सो मम्मा क्या आपको पावड़े पसंद है? यस, आई लाइक इट। पकौड़े पसंद है? सब पसंद है मुझे, पर्सनल फेवरेट की वजह से नहीं खा पा। अभी तो हमारा पूरा किचन बिखरा हुआ है, वरना मॉम इसको एकदम चकाचक करके रखती हैं, राइट मॉम? यस। अभी सब मेंटेन कर दूं फिर करूं। ये क्या डाल रहे हो आप? लेमन। आई थिंक मॉम इसका नींबू पानी बना के पीती है ना? यस। फॉर वेट लूज। वेट लूज। उसके भी रेसिपी हम आपको कभी ना कभी यूट्यूब पे शेयर कर देंगे सून। सो ये हमारी चटनी तैयार हो गई। यहाँ हमारे प्याज का वो हो गया, बैटर, पाव। बार बार एक ही चीज दिखाओगे तो लाइक कम हो जाएंगे, पर मुझे पता है हमारे गाइस ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे गाइस बहुत प्यारे हैं, ऐसा नहीं करेंगे हमारे गाइस। ऐसे ही करने वाले हैं ये लोग, सब्सक्राइब तो करते नहीं। हाँ आपकी बात भी सही है। ये क्या बनाया हम? ये क्या है? वो जीरा वाटर सुबह भिगा के रखा है, तो पीती हूँ। फॉर वेट लूज। पर आपने जीरा ही दिखाया है, कुछ और भी डालोगे इसमें? बॉईल करने के बाद लेमन डालूंगी मैं, नींबू, नींबू और शहद। शहद खत्म हो चुका है, सो ओनली नींबू जाएगा शहद। तो दाद आप इस पावड़े को ऐसे बनाओगे या कट करके बनाओगे? नहीं ऐसे ही, ऐसे ही बनाओगे। तो ये हमारी कढ़ाई है, पर गैस अभी तक ऑन नहीं है। आप क्या कर रहे हो? मैं आलू की पतली पतली स्लाइस काट रहा हूँ। आपको आलू के पकौड़े ज्यादा पसंद है या प्याज के? सब पसंद है, आलू प्याज जो भी है खा लूं। आपका फेवरेट फूड? सारे फेवरेट। कुछ तो डिफरेंस होगा। चावल दाल चोखा। चावल दाल चोखा ऑल टाइम फेवरेट। सो आपने यहाँ पे कितने पावर ले रखे हैं? सेवन। ओके, सो मॉम व्हाट आर यू डूइंग? टकाटक टकाटक। और हमें आपको बताना मां,
कई बार भूल जाती हूँ, पर हमारी एमिक्स तकातक पे भी चैनल है, इसका नाम मॉम बताएंगे, वो है ऋषि पांडे। ऋषि पांडे और दैट की आईडी का नाम क्या है? हाय गाइस, हेलो गाइस। सो आज मैं जा रही हूँ पकौड़े बनाने। सो मम्मा कर रही है अपने वीडियो की वो, सो हम उन्हें अकेले छोड़ देंगे। एंड यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ देम। एंड इस इंडिपेंडेंस डे अगर आपको मुझे विश करना है तो आप लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना। मत करना, करो करो अभी करो, हमारे एमिक्स तक तक के चैनल पे जाओ अभी करो, हमारे यूट्यूब चैनल को भी करो। चलो वापस किचन में चलते हैं। सो नॉर्मली आप हमारा किचन कैसे देखते हो और आज आप डिफरेंस बताओ, बताओ क्या डिफरेंस लग रहा है। डैड ने ऑन कर दी गैस और अब ये बिचारे पाव वड़े, ये डाल दिया ऑयल, इतना सारा ऑयल। कौन सा ऑयल है ये? सनफ्लावर, फॉर्चून सनफ्लावर। नहीं, रिफाइंड है, मस्टर्ड है। रिफाइंड है, मस्टर्ड नहीं। ओके, तो आपको रिफाइंड में अच्छा लगता है, मस्टर्ड में? अब इसको डाल मिक्स करेंगे। आई थिंक मॉम तैयारियों में अच्छी है और डैड कुकिंग में अच्छी है। कितना अच्छा लग रहा है। ये बैटर किसने बनाया था? तुम्हारी मॉम ने। यही सब? चलो मॉम के पास चलते हैं अभी तो। What are you doing? टकाटक फॉलोअर्स चेक कर रही हूँ, मेरे कितने फॉलोअर्स हुए अभी तक? कितने हुए? बहुत कम है यार, बहुत कम है। बताओ तो। 3,248 और लाइक्स? लाइक्स हैं 24,000 के ना? या 24,000 मीन्स क्या? यप कि यप। चलो मॉम यहाँ पे अपना मिक्स तक तक बना रही है, हम वापस चलते हैं किचन में। चलो वापस आ गए। ये क्यों कर रहे हो आप? क्या डाला अभी आपने इसमें? वाटर। वाटर, वाटर इसका क्या काम करेगा? सॉल्वेंट करेगा इसको। वाटर इज अ सॉल्वेंट, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। अच्छा। यस, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। सर केमिस्ट्री में तो ये भी पढ़ाया होगा आपको ना? कि लाइक और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्ट। आर्ट, आर्ट, आर्ट। ओके, आर्ट। इसको थोड़ा सा पतला इसलिए किया कि ये पाव में घुल लेगा, क्योंकि ज्यादा ग्रेवी गाढ़ा रहेगा तो मजा, तो थोड़ा सा पाव में नहीं घुसता है और बेसन फिर कम हो जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा कटोरी में निकाल दिया। ये थोड़ा निकलेगा फिर घाटा तो कटोरी का इसमें आएगा। ओके, सो हमारा तेल यहाँ पे गर्म हो गया और दाल यहाँ पे चख रहे हैं और ये दाल के चेक करें कि तेल गर्म हुआ, हो गया। कितनी अच्छी लग रही है, इसे रखो। वाओ, तुमसे मिलकर। सो यहाँ पे डैड कुकिंग सिंगर हैं।
ना जाने क्यों। कौन कौन कुक करते करते बोर होने से बचने के लिए सिंग करता है वो कमेंट्स में जरूर बताएं हमें। और अगर कमेंट्स में ना बता पाओ ना तो लाइक और सब्सक्राइब करके वो हमें पता चल जाएगा। ये क्या डाला फिर से आपने दाद अभी? ये थोड़ा सा डाला। क्या है ये? स्टार्च। स्टार्च इसको मींस और ग्रेवी को पकड़े लो। स्टार्च मींस वही कॉर्न स्टार्च है। ओके क्या करेगा इसको थोड़ा सा इसका कलर स्टिकी बनाएगा इसको ताकि पावर में पकड़ ले चिपक जाए। और ये कलर काफी लाइट हो गया है फ्लोर की वजह से। आपको कुकिंग अच्छी लगती है खाना अच्छा लगता है? मेरे को दोनों ही अच्छे लगते हैं। पहले कुकिंग करेंगे फिर तो खाएंगे ना। पर बिना कुकिंग आप बिना कुकिंग किए कोई खाने को दे दे ओके। डैड को कुकिंग पसंद है बता दो। डैड कुकिंग भी अच्छी करते हैं। सुना वी विल स्टार्ट। ये पावड़े पाव ये पाव है हमने इसको ऐसा मिक्सअप किया ठीक है। जरा पाव का हाल दिखाओ। वो हो अब चलो हम हल्का दूर चल जाएंगे। ये है पाव का हाल। ये दूसरा पाव गया और ये हमारे आलू की स्लाइसेस। ये गया दूसरा पाव। हमारे पाव डांस कर रहे हैं। ये गया इनका तीसरा साथी। अब तीन पे इनको छोड़ देंगे। तो ये हो रहे हैं अभी डीप फ्राई। देखो तीनों के साथ साथ कितनी अच्छी लग रही है ना फ्रेंडशिप। और ये चारों थोड़ी देर में चलेंगे। और तो दाग अभी हम इन्हें क्या करते हैं सर्व। हटा लो हाथ हटा लो गिर जाएगा। हो गया अभी पाव बड़े अभी बन जाएंगे फिर हम उनको लोगों को दिखाएंगे। चलो फिर तो मम्मा आपको हमारे व्यूअर से कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना यार कह के थक गई हूँ। सो मुझे एक कुछ कहना है कि आपने क्या वो वीडियो देखा स्टडी विद सिया मम यस और नो? देखा ना मैंने। नो मैं पूछ रही हूँ सिया इज क्यूट यस और नो? यस She is a good girl, yeah. Very good girl. Yes. Okay. Her voice you like? You like her voice? Yeah. Yep. मम्मा बेचारी अपने सब्सक्राइबर्स अब बलियान है कोई सब्सक्राइब नहीं करता राइट? Yeah. इसलिए मैं बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि कुछ फायदा नहीं एक साल हो गए यार ऐसा नहीं होता है। देखो आपसे गुस्सा हो गई है वो और मैं भी गुस्सा हूँ। इंडिपेंडेंस डे के दिन एक फॉलोअर्स ना एक सब्सक्राइबर बढ़ाए तो इस पे नहीं तो एमएक्स टका तक पे ही फेमस कर दो। और ये हमने लिया था फ्रूट बास्केट इसमें फ्रूट्स तो है पर आधे से ज्यादा मैंने और बाकी सबने खा लिए हैं। सबने खाए हैं। सो ये है सिल्वर कलर का इस पर फ्लावर्स के डिजाइन पर बने हैं। ये आपने कहाँ से लिया था? ये आपने कहाँ से लिया था? ये हमने देखो डैड क्या बोल रहा है। चलो डैड के पास वापस चलते हैं। पहला राउंड निकल गया? यस पहला राउंड तो निकल गया आपका। सो फर्स्ट राउंड में 3-3 है। हां 3-3 है क्योंकि हमारी कढ़ाई थोड़ी छोटी है। छोटी है और थ्री राउंड 3-3 का अच्छा बनता है। अब अगली बार हम दो-दो का बनाएंगे। दो-दो का बनाएंगे। बेहतर इतने से इतना हो गया।
बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इन सब की। तो दादी ने बहुत पलटने की कोशिश कर रहे हैं और ये पलट दिया। इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे हम, ज्यादा पकाएंगे तो क्या होगा, टाइट हो जाता है। पर हमें चाहिए सॉफ्ट सॉफ्ट इसलिए हम खाने का सीधा खोलता है। ब्राउनीज होने तक हम खाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको ना इधर से थोड़ा और पकाना पड़ेगा, इसको लग रहा है। बस तो हो गया, अभी सारे ऐसे ही पाव वड़े बनेंगे, फिर हम खाने का आपको मिलते हैं। चलो फिर मिलते हैं। सो गाइस, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड ये रहे हमारे मम्मी। मम्मी अपने गाइस को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलो। हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से सबको, 75th years of our independence के लिए congrats। बस इतना ही बोला था। एंड यस, सो चलो, शायद आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लो, मैं तो मरूं दे दूंगा। पूरी वीडियो में कबाड़ा कर दिया। आपको खाने के वक्त मिलते हैं। सो गाइस, हमारा डिनर हो गया है एंड वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको अच्छी लगी तो लाइक फॉलो और शेयर जरूर करना।